गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का मेरा वीडियो ये ग्रेविटेशन का छठा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का। इसके कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझने में हेल्प करेगा और उसके बाद फिर बेंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट को भी समझने में ये हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। मेरी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज ये मेरा ग्रेविटेशन का छठा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को आप जो है पूरी अच्छी तरीके से समझिएगा और इसके क्वेश्चन अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर इसके आगे का कंसेप्ट जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और आज का हेडिंग डालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपको पता ही अच्छी तरीके से है कि जो है हर एक सिस्टम में हमारी जो है कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, चाहे वो एनर्जी किसी भी रूप में हमारे पास जो है हो। ठीक, अधिकतर मूविंग चीज में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और यदि कोई चीज ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है तो उसमें सिर्फ हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये होती है कि एनर्जी कंटेन्ड बाय ए सिस्टम और बॉडी, एनर्जी कंटेन्ड बाय ए सिस्टम और बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजिशन, अपनी पोजिशन की वजह से अगर कोई बॉडी या सिस्टम जो एनर्जी कंटेन करता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये बात मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और इसी से जो है, इसी की हेल्प से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह पे निकालते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर आपको याद हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई थी, वो थी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमारा जो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। इसमें हमारा क्या होता था, चेंज का मतलब हुआ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम जो है यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी इसकी सहायता से कैसे निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि या तो फाइनल या इनिशियल किसी एक पॉइंट को जिस समय जैसी सिचुएशन हो उसमें जो है हम जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हैं, होती नहीं है, हम उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उससे दूसरे पॉइंट पे हमारा जो है निकल आता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ये पूरा जो है कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। ठीक, पूरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब जो है हम जो पढ़ रहे चैप्टर ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमारा हर कंडीशन में एक फोर्स अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है हमारा एक सिस्टम या एक बॉडी जो एनर्जी कंटेन करता है उसको बच्चों हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमको किसी सिचुएशन में क्या करना है, किसी सिचुएशन में क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट चुनना होगा जिस पॉइंट पर हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम कर सके या वहां पे जीरो हो। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमारा जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है। और यहां से जरा हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को और फिर बताते हैं कि वो पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी। क्यों हम इन्फिनिटी को लेते हैं वो हम बताते हैं आपको। देखिए हमारा जो फोर्स का फार्मूला था बच्चों, फोर्स का जो फार्मूला है था क्या अभी भी है, वो है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फार्मूला है वो है जी एम वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है फोर्स की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी और फील्ड की भी वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। बच्चों यदि आर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, आर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा। और जब हमारा फील्ड और फोर्स दोनों जीरो हो रहा है इन्फिनिटी पे, तो ये बात सही है कि जब हमारी बॉडी इन्फिनिटी पे होगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो होगी। इसलिए जो है हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हैं, इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हैं। अब देखिए हम किस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, ये सपोज करिए कि ये हमारा जो है इन्फिनिटी है, ठीक है इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी पे हमारा एन मास रखा हुआ है। एक का मास है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स, इस तरीके से बहुत ढेर सारे मास यहां पे है। और एम एन हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एन पार्टिकल है जिसका मास हमको एम वन एम टू एम टू एम एन तक दे रखा। ठीक है, यहां पर हमारे पास फ्री स्पेस है, यहां पर हमारे पास कोई ना तो हमारे पास कोई फोर्स है, ना कोई अट्रैक्शन का फोर्स है, ना कोई रिपल्सन का फोर्स है, कोई यहां पर कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो यहां से एक जो है इन्फिनिटी से जो है एक मास उठा करके यहां लाते हैं। अब देखिए इसको जो है कुछ भी खींचने वाला रिपल करने वाला कहीं किसी टाइप का फोर्स नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने एक मास एम वन को इधर भेजा, तो एम वन को जब इधर भेजेंगे बच्चों तो हल्का सा हमें पुल की जरूरत पड़ेगी, ये तुरंत चल देगा इधर, ठीक है क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं इसके पास, ठीक है कोई अट्रैक्शन है नहीं, वो तुरंत चल देगा। और फिर जब ये हमारे पास यहां पर सपोज करिए इस तरीके से पहुंच गया तो हम इसको फिर से रोक देंगे और एम वन ने अपना यहां पर एक पोजिशन बना ली। अब ये ग्रेविटेशनल मास है तो क्या करेगा, इस एरिया में एक ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर देगा, ठीक है इस एरिया में एक ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां से दूसरा मास जो है M2 जो है इसको यहां ऐसे भेजेंगे, ठीक है जब हम इसको भेजेंगे तो इसके लिए पहली कंडीशन अलग थी लेकिन इसके लिए कंडीशन हमारी बदल जाएगी। अब इसके लिए यहां पे स्वागत करने के लिए M1 मास पहले से है, M1 का स्वागत करने के लिए कोई नहीं था, वो बेचारा अकेले आया, ठीक है इसका स्वागत करने के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए हमारे पास M1 पहले से है, यानी कि M1 की प्रेजेंस जो है M2 की पोजीशन पे फर्क डालेगा। फर्क कैसे डालेगा, ठीक है फर्क ऐसे डालेगा कि इसके तरफ जो इनका सेंटर का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो है लाइन है, सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलोंग जो है एक फोर्स लगेगा, ठीक है और वो फोर्स होगा बच्चों जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा एफ इजकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हुआ कि हमने इसको यहां पर भेजा, ठीक है हमने इसको भेजना शुरू किया तो इनके बीच पता लगा अट्रैक्शन का फोर्स है और वो अपने आप ही इधर चलने लगा, ठीक है अपने आप ही इधर चलने लगा। और हम जो है हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसको, हम यहां पे इसको कहीं पे ला करके इस पोजीशन पे रोक देते हैं, इस पोजीशन पे हम इसको रोक देते हैं। और जो है सपोज करते हैं ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर, यहां पर ला करके हम इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, अपनी एक पोजीशन बना ली, मास एम वन और मास एम टू ने अपनी एक पोजीशन बना ली आर डिस्टेंस पे,
और मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा पोजीशन की वजह से सिस्टम एनर्जी कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल मास की वजह से है तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि यहां पर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। ठीक है, यहां पर हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बच्चों देखिए कितनी होगी, हम इसको करते हैं कैलकुलेट, हम इसको करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए हमारी क्या आ रही है, उस चीज को आप देखिए, तो हमारा क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। कहां से हमने चेंज किया, हमने किया इन्फिनिटी से इसको एक सिस्टम में लेके आए, पहले इन्फिनिटी पे था, इसको हम एक आर डिस्टेंस में एक सिस्टम में लेके आए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई वो ही माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसके द्वारा जो हमारा वर्क किया गया वो हम यहां पर निकाल रहे हैं। ठीक है, वो हम यहां पर निकाल रहे हैं और देखिए वो हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए वो हमारा क्या होता है, उसको हम करेंगे कैलकुलेट। अब देखिए क्या हुआ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब यहां पर फोर्स कौन सा है बच्चों, फोर्स कौन सा है, फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का। अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी कम होगी वैसे वैसे फोर्स हमारा वेरी करेगा। ठीक है, फोर्स हमारा वेरी करेगा, यानी कि यहां पर ये फोर्स जो है ये वेरिएबल है, ये फोर्स हमारा वेरिएबल है। और बच्चों मैंने वर्क पावर और एनर्जी के सिस्टम में आपको बताया था कि जब कभी भी हमारे पास फोर्स वेरिएबल हो तो उस फोर्स की वजह से, ठीक है, उस फोर्स की वजह से हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सपोज करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इस डायरेक्शन में डीएक्स है, और उसके द्वारा किया गया जो वर्क होगा वो होगा डीडब्ल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा डीडब्ल्यू बराबर एफ इंटू डीएक्स, एफ डॉट डीएक्स होता है, तो चलिए वही ले लेते हैं, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब जो है इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने के बीच में एक कंडीशन है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो रहनी चाहिए, यहां पर भी और यहां पर भी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो रहनी चाहिए, इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसा है, ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ये कंडीशन क्यों लगी है। कंडीशन इसलिए ये लगी है कि अगर ये यहां पर आकर के कुछ वेलोसिटी रखेगा तो पहली बात तो यहां भी ये रुक नहीं पाएगा, नंबर वन, और दूसरी बात क्या होगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ जो है एक काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कैलकुलेट पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कंडीशन डाली गई कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो हमारे पास जो एनर्जी इसके पास होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। बात नंबर एक, और बात नंबर दो कि सिस्टम एक यहां बन जाएगा, ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या है कि यह फिर आगे भागेगा और इसे जाके कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि dW हो गया हमारा F डॉट dx। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है डायरेक्शन में, ये फोर्स हमारा क्या है, फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, और सपोज करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा फोर्स ये हो जाएगा जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया वो डिस्प्लेसमेंट लिया dx। तो हम यहां पे इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो हमारा आ जाएगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहां पर एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि फोर्स जो है हमारा, जैसे हम इसको यदि ओरिजिन माने तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया, तो ये फोर्स हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पर निगेटिव इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा डीडब्ल्यू, हमको क्या करना है, हमको निकालना है W। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको निकालना है W। तो बच्चों चलिए अब हम W कैलकुलेट करते हैं इसको इंटीग्रेट करके, तो बच्चों जो W आएगा वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है,
इस पूरे सिस्टम का इंटीग्रेशन वो आएगा जी एम वन एम टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी जो लिमिट आएगी वो लिमिट आएगी इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, इन्फिनिटी से आर पे, इन्फिनिटी से चले और आर पे इसको ला करके हमने रोक दिया। ठीक है, अब देखिए ये कितना आएगा उसको देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा उस चीज को देख लीजिए। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो बच्चों जो डब्ल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस जी एम वन एम टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आया। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस जी एम वन एम टू माइनस वन बाई एक्स, और यहां पे आएगा इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर आ जाएगा। बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा जी एम वन एम टू इंटू माइनस वन बाई आर, और ये W जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया हमारा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये आ गया, जो कि हमारी यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ठीक है, अब देखिए इसको हम उठाएंगे, बाकी ये सब जो हमने लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि बात मेरे को आगे बतानी है। ठीक है, बात मेरे को आगे बतानी है। अब देखिए ये सब हमने इरेज कर दिया और हमारे पास जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया बच्चों वो आया प्लस जी एम वन एम टू बटे आर। ठीक, अब देखिए क्या है, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था वो था माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों देखिए ये हो गया U final minus U initial is equal to minus work done by conservative force, यह आ गया जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यह आ गया। अब देखिए इनिशियल जो है वो है इन्फिनिटी और फाइनल जो है वो है आर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो इन्फिनिटी पे हमने क्या एज्यूम किया है, इन्फिनिटी पे हमने एज्यूम किया है जीरो, तो ये हो जाएगा यू आर माइनस जीरो बराबर माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, इस तरीके से। तो यू आर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, और ये हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा, फाइनल फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ ए सिस्टम जिनके बीच की दूरी हमारी जो है वो है, जिनके बीच की हमारी दूरी है वो है हमारी आर। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आया। ठीक है, ये तो मैंने किया आपके सामने फार्मूले का डेरिवेशन, लेकिन बच्चों अभी इस कंसेप्ट में एक पेज बाकी है और वो पेज मैं आपके सामने खोल रहा हूं, देखिए उसमें से क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए उसमें से क्या निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान भी देते हैं लोग और नहीं भी ध्यान देते हैं। वो यहां पे ये था कि काइनेटिक एनर्जी हमको जीरो रखनी है, ये पेंच था। ठीक है, हमको जीरो रखनी है, ये पेंच है, ये बहुत बड़ा पेंच है। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं और इसको आप नोट कर लीजिए, अभी दोबारा लिखूंगा और देखिएगा क्या हमारे सामने एक नया क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये फोर्स हमारा लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बॉडीज के बीच में, टू बॉडीज के बीच में क्या है हमारा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ क्या कि हमने बॉडी को इधर भेजा तो यहां पर जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एम टू मास पे लगने लगा और जो कि इस डायरेक्शन में था। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू थी किसी पॉइंट पे जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, और जब एक्सेलरेशन आता है तो उसमें वेलोसिटी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के यहां क्या दिख रहा है, यहां पर एक चीज हमको दिखाई दे रही है कि जब ये बॉडी इधर आएगी तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तब ये हमारा जो है वेलोसिटी इंक्रीज जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे रहेगी।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो कैसे रहेगी? हमने तो ये कहा कि कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी हमको जीरो रखनी है, यहां पर हमारी वेलोसिटी जीरो रहनी चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी पे भी जीरो रखी है। ये एक सवाल है, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा और क्या इसका कंसेप्ट है। ओरिजिनल कंसेप्ट यही है, हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं और पता नहीं लगता, और खासतौर से जेई वाला इसी जेई वाले जो है वो इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन मारते हैं और फिर बाद में गलत हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि यहां पर फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स से थोड़ा सा कम फोर्स हम लगाते हैं बैक डायरेक्शन में। ठीक है, बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इस फोर्स से थोड़ा सा कम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमारा जो होता है एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एफ एक्सटर्नल। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये जो होता है ये फोर्स होता है ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत थोड़ा सा कम होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत थोड़ा सा कम होता है, वेरी वेरी लेस देन होता है, वेरी वेरी लेस देन होता है। इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है जो कि अनमेजरेबल होता है, लेकिन होता ये बड़ा है और ये छोटा होता तभी ये इधर जाएगा, और इतना फोर्स लगता है रिजल्टेंट कि हमारी जो है इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने पाती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने पाती है। अब देखिए क्या होता है, अब ये क्या है, ये M1 ये M2 एक सिस्टम है। ठीक है, ये वाला M1 और ये M2 मिलाकर के एक सिस्टम बनाता है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है वर्क डन, वो आता है द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये आता है। ठीक है, ये आता है द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। देखिए ये एक M1 है, ये एक M2 है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बन गया सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम पे ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा काम कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है कि इसकी वेलोसिटी को जीरो रखता है, लेकिन ये इधर धीरे 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 वेरी स्लोली बढ़ता है, और जो वर्क डन इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। और अब मिलाकर के कंसेप्ट हमारा पूरा होता है, वो ये पूरा होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है। अगर हम इस फोर्स के द्वारा वर्क किया निकालेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे, और यदि हम इस फोर्स के द्वारा जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क लगाएंगे तो हमारा एक्सटर्नल प्लस लगाएंगे, तब हम इसको प्लस लगाएंगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, और वो रिजल्ट बच्चों आएगा, वो आएगा यू आर इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, यही रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूं। देखिए फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए हम निकालेंगे W एक्सटर्नल, ठीक है, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू F डॉट डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से, ठीक है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, F तो जो है सो है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां आ जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा आएगा हमारा F डॉट S, ये आएगा cos 180, cos 180 आ जाएगा। देखिए फोर्स इधर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो 180 का एंगल होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस, ठीक है, माइनस एफ एस आएगा, और वो वही आएगा जो ये आया था। अब देखिए हम बड़े यहां पॉजिटिव लिख रहे हैं, लेकिन ये वाला माइनस यहां पे आ जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, वो ये आ जाएगा टू बॉडीज के सिस्टम में, ठीक है, टू बॉडीज के सिस्टम में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल जो है फॉर्मूला है, यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टू बॉडीज के सिस्टम का। ठीक है, टू बॉडीज के सिस्टम का हमारे पास यही हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, इसी को हम यूज करते हैं, ये हमें एक टू बॉडी के सिस्टम का हमको देता है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों चलिए बात करते हैं आगे की, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको पूरी बात कहानी यहां पे आ गई होगी, समझते हैं। अब हमसे किसी ने कहा कि इधर तो एन मास है, ठीक है, आपने क्या रखे एन नंबर ऑफ मास रख रखे यहां पे, तो कोई कसम खा रखी है कि हम दो ही यहां पे भेजेंगे, हम और भेजे तो? हमने कहा भेजिए, ठीक, सारे भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा हम तीन भेजेंगे, हमने कहा तीन भेजिए, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने एक तीसरा मास यहां कहीं ऐसे भेज दिया, ठीक है। बोले अब क्या एनर्जी होगी, हमने कहा देखिए एनर्जी वही रहेगी, बस इसकी इसकी एनर्जी, इसकी इसकी एनर्जी, इसकी इसकी एनर्जी आपस में मिल जाएगी और उसका सम जो है वो हमारा जो है टोटल एनर्जी दे देगा सिस्टम की। बोले किस तरीके से आएगा, हमने कहा देखिए ऐसे आएगा, यू टोटल ऑफ द सिस्टम, इसके इसके बीच की एनर्जी आएगी माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। अगर इनके इनके बीच की दूरी हम आर वन टू ले तो आर वन टू हो गया, इसके इसके बीच की दूरी हो गई हमारी आर वन थ्री, इसके इसके बीच की दूरी हो गई हमारी आर टू थ्री, तो ये हो गया। तो इसके इसके बीच की जो हमारी एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम वन एम थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री माइनस जी एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाई आर टू थ्री। इस टाइप से टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से हो जाएगी। हर एक दो पार्टिकल के बीच की जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसका हम कर देंगे सम और वो हमारा आ जाएगा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या करना है कि अगर हमारे पास इस तरीके से एन बॉडीज आ जाए, ठीक है, एन बॉडीज आ जाए तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे, हमको क्या होगा हर एक दो बॉडी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उसको सम कर देना होगा। तो एन बॉडीज के कंडीशन में हमारे पास टोटल कितने टर्म बनते हैं, वो बच्चों टर्म बनते हैं एन एन माइनस वन बाई टू, इतने बनते हैं। ये कहां से आया ये आप सोच रहे होंगे, तो हमको क्या करना है कि एन में से दो सेलेक्ट करना है, ठीक है, एन में से दो सेलेक्ट करना है। तो बच्चों उसका नंबर हम काउंट करते हैं एन सी टू। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है ये कि यदि हमें एन ऑब्जेक्ट्स में से दो को सेलेक्ट करना है तो होता है हमारा एन सी टू, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फैक्टोरियल एल अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एन एन माइनस वन और एन माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ये जाएगा कट और ये आ जाएगा हमारा एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। इतने सिस्टम हमारे बनेंगे और हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यदि हमारी फोर बॉडीज आ जाती है, अब मैं पूरा बिगाड़ दे रहा हूं और अब पूरी उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं, दो बातें करने के बाद जो है अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, अब हम स्टार्ट करें दो बातें पूरी करने के बाद अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए कि हमारी जो है बात यह आई कि हमारे पास बॉडीज हो गई चार, इस तरीके से एक दो तीन और चार, चार बॉडीज हमारे पास आ गई है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, इस तरीके से हमारे पास चार बॉडीज आ गई। इनके बीच जो है हमारा कितने टर्म्स आएंगे जिनको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए इनकी वैल्यूज हो गई 4 और हमारा आया एन एन माइनस वन अपॉन टू, तो बच्चों आ जाएगा 4 इंटू एन माइनस वन हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 या गया 6, 6 टर्म हमारे होंगे जो कि ऐड किए जाएंगे। कैसे 6 होंगे, देखिए इनके इनके बीच की दूरी, इनके इनके बीच की एनर्जी, इनके इनके बीच की एनर्जी, इनके इनके बीच की एनर्जी, इनके इनके बीच की एनर्जी और इनके इनके बीच की एनर्जी, टोटल हमारे पास 6 पेयर बन रहे हैं और 6 पेयर के बीच की एनर्जी हमको निकालनी होगी और उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों यही पूरा कंसेप्ट है
हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए बच्चों, कंसेप्ट खत्म करने के बाद इसी कंसेप्ट को अब हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस बना के चलते हैं, फिर देखिए बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए हमारे पास दो मासेस हैं, ठीक है, ये दो मासेस हैं, ये है 5 kg का और ये है 4 kg का, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 20 meters और हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है जी M1 M2 डिवाइडेड बाई R, वो भी माइनस का। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, तो Z की वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11 इंटू M1 है 5 kg और M2 है 4 kg और नीचे इसके डिस्टेंस है 20 kg, ठीक। हमने यहां पर इसको काट दिया, 5 से दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा नेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगा -6.67 इंटू 10^-11 जूल। ये हमारे पास इसकी आ गई एनर्जी। अब देखिए ये 2-body system था, अगर इसकी जगह 3-body system होता तो हम कैसे निकालते वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का जो है कोई स्पेस है, ठीक, और इसके बीच की डिस्टेंस है हमारी ए, यानी कि ये तीनों की डिस्टेंस हमारी साइड की ए ए और ए है, और इसके कॉर्नर पे मास एम 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 इक्वल मास रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकलेगा, देखिए किस तरीके से निकलेगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी टोटल वो होगी, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम उसको यूएस लेते हैं, तो वो हमारा होगा, ये पार्टिकल हम 1 ले लेते हैं, ये 2 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1-2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1-3 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2-3, ये हमारा सम हो जाएगा, वही आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या आएगा, ये 1-2 के बीच में जो आएगा वो आएगा जी एम एम बटे ए, ये आ गया, यानी कि आ गया -GM²/A। U13 हो जाएगा हमारा -GM×M/A और ये भी आ गया -GM²/A, ठीक है। अभी आ गया U23 = -GM×M/A और ये आ गया हमारा GM²/A, ये आ गया। हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे और ये बच्चों जोड़ने पे आएगा -3GM²/A, ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये होगा हमारा इसका आंसर। अब देखिए इसी तरीके से चाहे हमारे जितने भी इसमें जो है मासेस बढ़ते जाएं, सिस्टम नया बनता जाए, हम इसी कंसेप्ट के साथ जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक नए तरीके का क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे और सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, तो हमको निकालना होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास 3 mass है, ठीक है, 3 mass है और ये एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, इनके इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इनके इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ये मासेस जो है हमारे इक्वल है, ठीक है, ये मासेस हमारे इक्वल है, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहां से इस मास को खींचा ऐसे और खींच के हम यहां ले आए, ठीक है, खींच के हम यहां ले आए और इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, और जो नया हमारा कॉन्फिगरेशन बना वो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, क्या हुआ, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है और इनके बीच की दूरी देखिए a a 2a हो गई, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी हो जाती है 2a,
और ये डिस्टेंस भी हो जाती है 2a। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास जो है तीन मास थे, एक ही लाइन में रखे हुए थे और दो मासेस के बीच की दूरी ए ए थी। हमने क्या किया कि इस मास के ऊपर एक वर्क किया, इसको नीचे इस तरीके से खींचा तो और यहां लाके रोक दिया, तो हमारा जो नया सिस्टम बना वो ये बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का हो गया और नए सिस्टम में ईच कॉर्नर पे हमारा एम एम मास जो है हमारा रखा हुआ है। अब हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको वर्क डन ऑन सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको खींचा है, तो इसको क्या होगा, इस पे जो हम जो वर्क करेगा एक्सटर्नल फोर्स वो हमारा कितना होगा। ठीक, अब देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट हमारा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स या प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा कंसेप्ट था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वही कंसेप्ट है। अब बच्चों हमारा इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, तो हम यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हम इस तरीके से लगाएंगे और यही हमको निकालना है। ठीक, यही हमको निकालना है। देखिए इस सिस्टम को हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सिस्टम है, वन लिखा है, और इस सिस्टम को हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेकंड सिस्टम है, ये हमारा सेकंड सिस्टम है और ये हमारा सेकंड लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा सेकंड लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर हमारा क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम, और ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये आ गया इस तरीके से। अब हम दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे वो क्या आती, फिर उसका निकालेंगे डिफरेंस। तो देखिए बच्चों पहले सिस्टम में हमारा जो है आ रहा है वो कितना आएगा, माइनस जी एम एम बटे ए आ रहा है, इन दोनों के बीच की एनर्जी, माइनस जी एम स्क्वायर बटे ए ये दूसरा आ गया, और फिर इन दोनों के बीच की एनर्जी जो कि होगी हमारी माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, इनके बीच की दूरी 2a है। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा इस हिसाब से 2a माइनस 2 जी एम स्क्वायर माइनस 2 जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर, यह आ गया ओवरऑल आ गया हमारा माइनस 5 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड अरेंजमेंट का हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वो देखिए क्या आएगा, इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो कि आएगी माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और फिर आएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2a, ओवर ऑल आ जाएगा माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये हमारा इन दोनों के बीच की एनर्जी है, ये हमारा इन दोनों के बीच की एनर्जी है, और ये लास्ट वाला हमारा इन दोनों के बीच की एनर्जी है। ठीक है, इनको जोड़ दिया तो हमारा आ गया ये। अब देखिए हमारा क्या आएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, तो यू टू है हमारा माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई 2a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये अगर माइनस से यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या हुआ, इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से 2 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए, और यही इसका आंसर होगा। तो हमारा नेट आंसर हो गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए। ये हो गया इसका आंसर बच्चों। इस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वैसे वर्क डन निकालते हैं तो इन्फिनिटी पे जाते, इन्फिनिटी से फिर मास को लाते तो काफी लंबा हो जाता है। इसमें क्या किया कि सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वो हमने निकाल लिया दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को निकाल करके। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंसेप्ट अप्लाई हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस सिस्टम में जो है हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। और देखिए किस तरीके से लगाइए और उससे हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उससे हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज को आप नोट करिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि दो टू पार्टिकल सिस्टम अभी हम लेते हैं, फिर हम मल्टी पार्टिकल सिस्टम लेंगे। क्या हुआ कि हमारे पास दो पार्टिकल है इस तरीके से। ठीक, हमारे पास क्या हुआ कि दो पार्टिकल है, ये एक है और ये हमारे पास इस तरीके से एक है। इसका मास m है और इसका भी मास m है। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पे है। फिर क्या हुआ, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल लगा एक दूसरे की तरफ और ये एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। और सपोज करिए कि ये स्टार्टिंग की जो हमारी दूरी थी इनिशियल वो 2a थी और बाद में ये आकर के a हो गई। ठीक है, ये हमारी a हो गई, ये दोनों की एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और इनके बीच में एक वेलोसिटी है। ठीक, तो अब देखिए हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच मास व्हेन दे आर एट डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे होंगे तो हमारी जो है उनकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो है सिर्फ हमारे पास एक ग्रेविटेशनल का फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स हमने नहीं मेंशन की है, कोई भी हमारी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बच्चों इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, वो होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारे पास इस तरीके से होता है, यानी कि क्या हुआ, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से आएगा। देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी है जीरो क्योंकि दोनों बॉडी है रेस्ट पे, हमने जीरो लिख लिया। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर एक ही पोटेंशियल एनर्जी है और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे तो वो हमारी कितनी होगी, माइनस जी एम स्क्वायर बटे टू ए। यही खत्म हो गई कहानी बराबर। अब हम सपोज करते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी एक तरफ की ओर वी और वी है। ठीक है, इसकी भी वी हो गई, इसकी भी वी हो गई, इसका मास एम है, इसका भी मास एम है। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो पहले वाले मास की हो जाएगी 1/2 mv², दूसरे वाले मास की हो जाएगी 1/2 mv² और प्लस जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन दोनों की इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसकी वैल्यू आएगी बच्चों -gm² / a। ये आएगा, ठीक, ये आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और वी निकाल लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -gm² / 2a बराबर mv² - gm² / a। यह आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, mv² = gm² / a - gm² / 2a। ये आ रहा है हमारा इस तरीके से। ठीक है, इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा gm² / 2a
और ये आ गया हमारा एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम से एम हमारा गया कट और वी स्क्वायर आ गया हमारा जी एम डिवाइडेड बाई टू ए और वी इज इक्वल टू आ गया जी एम डिवाइडेड बाई टू ए का अंडर रूट। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों मासेस की जब एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होगा ग्रेविटेशन पुल्स के कारण जो है वेलोसिटी बढ़ गई बॉडीज की और जो है फिर उसकी वेलोसिटी किसी स्टैंड पे हमने निकाल ली तो वो कितनी निकली, ये हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट से बता दिया। ये था टू बॉडी सिस्टम। अब देखिए क्या हुआ, जब हमारा सिस्टम में दो से ज्यादा बॉडी आती है तब हम इसी कंसेप्ट को कैसे लगाएंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसमें हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके कारण जो डेवलप हो रही है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में उसकी हम कैसे जो है एनालिसिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा एक जो है सर्किल है, इस तरीके से सर्किल है और सर्किल का सिस्टम है और देखिए ये इसमें इसका जो है डायमीटर है एक दूसरे से। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट पे एक एक मास ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एक एक मास यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ये मास वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। ठीक है, ये मास, ठीक, ये मास और ये मास, ये हमारे फिक्स है और ये जो है ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये मूव कर सकता है, ये वाला मूव कर सकता है और इसका जो रेडियस है बच्चों वो है आर। ठीक है, ये है हमारा आर। अब ये हुआ कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, इसके लिए इधर है देखिए ऐसे और इसके लिए क्या है ऐसे है और इसके लिए देखिए ऐसे, ग्रेविटेशनल पुल हमारा जो है तीनों तरफ से इसके ऊपर लग रहा है। ठीक, अब क्या हुआ ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये इधर चलने लगता है तो देखिए इसके कारण जो है इस वाली बॉडी के कारण जो हमें ग्रेविटेशनल पुल मिला है उसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में चल देगा, चलने के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी और एक टाइम पे ये यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, इस जगह पे ये वाला मास, मास नंबर फोर हमारा पहुंच जाएगा। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोर्थ मास when it passes through center of circle। ठीक, क्या हुआ कि जब ये सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो रहा है, मतलब यहां से पास हो रहा है, उस समय इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है। ठीक है, उस समय इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है बच्चों, देखिए ये तीन मास फिक्स है, ये हिल नहीं सकते लेकिन ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में चल देता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस फोर्स का हमने दो कंपोनेंट निकाले हैं, एक इधर ये और ये कैंसिल हो जाता है और ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी अटेंड करेगा तो जब ये यहां पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है और देखिए ये कैसे होगा, इसमें जो है हम जो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, और वो कंसेप्ट लगेगा बच्चों इसलिए क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फोर्स जो है वो है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक, और जो है कंजर्वेटिव फोर्स होती है, कोई इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम यहां पर जो है लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वो होगा हमारा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सारे मासेस अपनी जगह है, वो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी जीरो।
प्लस। हमको देखना है मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो देखिए वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, इस चीज को आप देखिए। देखिए इस बॉडी का इससे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी हमारी माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर रूट टू। देखिए ये आर है, ये आर है, ये आर रूट टू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके और इसके कार बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर रूट टू, और इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर, क्योंकि इसके और इसके बीच की जो हमारी जो है दूरी है टू आर। ये हो गया हमारा इनिशियल एनर्जी। फाइनल देखिए इस बॉडी की वेलोसिटी हम सपोज करते हैं कि यहां आकर के वी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ एक ही बॉडी की होगी, वो होगी हम वन बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस। फाइनल अब जब ये यहां पे पहुंच गया तो बच्चों इसके इसके बीच की इसके इसके बीच की इसके बीच की दूरी हो गई हमारी आर, ठीक है, और तीनों के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस थ्री जी एम स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगी, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात यहां आनी चाहिए, आई भी होगी, हम तो ऑनलाइन है, कि इनके इनके बीच भी एनर्जी होगी, इनके इनके बीच भी एनर्जी होगी, इनके इनके बीच भी एनर्जी होगी, कुछ हमारे पेयर्स और बनेंगे, वो क्यों नहीं कंसीडर किए गए, ठीक है बच्चों, बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम उसको इधर कंसीडर करेंगे तो इधर भी कंसीडर करेंगे और दोनों वो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि उनकी इसके इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बदल नहीं रही, इसके इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बदल नहीं रही, इसके इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बदल नहीं रही है, तो वो हो जाएगी ओवरऑल कैंसिल, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है, ले भी सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है, तो यह आया माइनस टू जी एम स्क्वायर बाय आर रूट टू, ठीक है, माइनस जी एम स्क्वायर बाई टू आर बराबर वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस थ्री जी एम स्क्वायर बाई आर, ये आ गया, ठीक, ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, हम ये देखिए आएगा वन बाई टू एम वी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा थ्री जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक है, माइनस रूट टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसका हम लेंगे एलसीएम, और इसका एलसीएम होगा बच्चों टू आर, और ये आ रहा है सिक्स जी एम स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर माइनस टू रूट टू जी एम स्क्वायर, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ गया फाइव जी एम स्क्वायर माइनस टू रूट टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक, और इधर ये आ गया वन बाई टू एम वी स्क्वायर, ठीक, तो देखिए टू से ये टू कट जाएगा और एम से एम भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम, ठीक है, जी एम फाइव माइनस टू रूट टू, ठीक है, फाइव माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाई आर, ये आ गया इस तरीके से, और यहीं से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी हमारी जो फाइनल आ जाएगी वो आ जाएगी जी एम अपॉन आर फाइव माइनस टू रूट टू का अंडर रूट, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जब ये पार्टिकल हमारा सेंटर पर पहुंचेगा, ठीक है, जब ये पार्टिकल हमारा सेंटर पर पहुंचेगा, ठीक बच्चों। देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन इस तरीके से खत्म हुआ, और अब चलिए मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लास्ट पॉइंट की बात करता हूं,
और देखिए कि वो हमारी क्या है। ठीक है बच्चों, बच्चों जब मैं वर्क पावर एनर्जी आपको पढ़ा रहा था उसमें एक टर्म आया था, उसमें एक टर्म आया था और उस टर्म का नाम था पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाती है MGH। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाती है MGH जब हम अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को, एम मास की बॉडी को एच हाइट पे ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी MGH हो जाती है। हमने इसको बहुत यूज किया है। ठीक है, अब बात मैं इसके बारे में करने जा रहा हूं और हम अब आपको दिखाते आ रहे हैं कि U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, ठीक है, बटे R होता है, ये हमने कहा। तो ये इसमें कैसे बदलता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अर्थ के सरफेस की, सिस्टम की नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं अर्थ के सरफेस की। ठीक, देखिए ये हमारा हो गया अर्थ, यहां इस तरीके से ये अर्थ हो गया, ये इसका सेंटर है और ये है इसका मास। ठीक है, ये इसका कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम है अर्थ का मास, या एम ही कर लीजिए इसको, और ये हो गया हमारा एक छोटा सा मास। ठीक है, छोटा सा मास, और हमने जो है यहां पर जो है ये हमारा हो गया छोटा सा मास और हमने इसको जो है यहां पे रख रखा है, ये इनिशियल सिस्टम है। ठीक है, इनिशियल सिस्टम में जो हमारा आया, इनिशियल सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो है जी एम ई अपॉन एम डिवाइडेड बाई आर ई, चलिए आर ई कर लीजिए, ये अर्थ की रेडियस हो गई हमारी आर ई। ठीक, हमने क्या किया कि हम इस बॉडी को यहां से एच हाइट पे ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब देखिए हमारी जो नई सिस्टम में जो हमारा निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, क्योंकि सेंटर से इसकी दूरी अब हो रही है आर ई प्लस एच, ये देखिए हो गया आर ई और ये हो गया एच, तो न्यू डिस्टेंस हो गई आर ई प्लस एच। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल और वो आएगा हमारा माइनस G M E M अपॉन R E प्लस H प्लस G M E M अपॉन R E, इस टाइप से आ रहा है बच्चों। हमने क्या किया, G M E M कॉमन ले लेंगे तो आ गया हमारा G M E M, या 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच, ये आ गया इस तरीके से, और ये आया हमारा जी एम ई एम, जी एम ई एम, ठीक है, और ये आ गया आर ई प्लस एच माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये आया इस तरीके से। देखिए आर ई से आर ई कट गया तो ओवर आया, ओवर ऑल आ गया हमारा जी एम ई एम एच डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ठीक है, ये आ गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम एक बॉडी को ऊपर ले गए। ठीक है, अब देखिए हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों जब हम एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, वो होती है MGH। और हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ विचित्र टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, विचित्र टाइप का दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमने पढ़ा तो है वो और दिख रहा है ये, तो ये क्या है और ये वो कैसे बनेगा, इसकी चलिए करते हैं बात। ठीक है, इसकी चलिए करते हैं बात। तो बच्चों, बच्चों प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था या कहें कि ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था, तो उसमें एक हमारा जो जी, छोटू जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, अगर आपको याद हो। इस आर ई स्क्वायर का इस जी से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा
जीएमई इजकल टू जी आर ई स्क्वायर, इस टाइप की चीज हमारी ये आ जाएगी। ठीक, इस टाइप की चीज आ जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, इस जीएमई की जगह ये जी आर ई स्क्वायर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और देखिए क्या आ जाएगा उसके बाद। वो ये आ जाएगा कि जीएमई की जगह हम लिख देते हैं जी आर ई स्क्वायर और उसके साथ ये आ गया एम एच डिवाइडेड बाई आर ई, ठीक है, आर ई प्लस एच ये आ गया और साथ में ये वाला आर ई यहां पे और रहा। ये देखिए इस आर ई से ये आर ई ऊपर हो जाएगा साफ, ठीक है, और जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ऊपर एम जी एच आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। ये देखिए ऐसा ये हमारा आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इस आर ई को हम नीचे लाएंगे, इस आर ई को नीचे लाएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी एच अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई आ गया और इसको हम लिख सकते हैं एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, ये हो गया और ये आएगा हमारा डेल्टा यू। इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डेल्टा यू। ठीक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए एम जी एच टाइप का जो है वो हमको यहां कुछ दिखने लगा, पहला कुछ ऐसा दिख रहा था गड़बड़ झाला। ठीक है, इस गड़बड़ झाले को हमने जो है इस फॉर्मूले से थोड़ा वैसा लाने का कोशिश किया, लेकिन अभी भी इसमें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये हमारा हट जाए तो वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे तो हटेगा नहीं, ये अपना पूरा रीजन देगा कि हम हटेंगे तो क्यों हटेंगे, ठीक है, और नहीं हटेंगे तो क्यों नहीं हटेंगे, तो उस रीजन को आप समझिए। ठीक है, उस रीजन को आप समझिए, उसने कहा हम साथ साथ लिखे जरूर हैं लेकिन हमारी वैल्यूज में बड़ा अंतर है। ठीक है, बोले कैसा अंतर है, बोले आर ई जो है वो हमारा है 6400 किलोमीटर और जब हम मैकेनिक्स के सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे थे या किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे थे ऊपर, तो क्या हो रहा था, एच जो था हमारा कभी 10 मीटर ले जा रहे थे, कभी 50 मीटर ले जा रहे थे, कभी 100 मीटर ले जा रहे थे, कभी 200 मीटर ले जा रहे थे और इससे ऊपर तो हम कभी गए नहीं। ठीक है, इससे ऊपर तो हम कभी गए नहीं, तो क्या हुआ उस कंडीशन में, यदि एच का कंपैरिजन किया जाए तो एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। ठीक है, यदि हम 10 मीटर बटे इतना लिखेंगे या 200 मीटर भी इतना लिखेंगे तो ये फैक्टर जो है ये हमारा हो जाएगा नियर अबाउट जीरो, ये नियर अबाउट जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब हम इस फार्मूले में एम जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा एम जी एच और यही होगा बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब वो एच हाइट पे अर्थ के सरफेस से जाता है। ठीक, अब यदि वर्क पावर ऑफ और एनर्जी का चैप्टर आप रिवाइज करें ये वीडियो देखने के बाद, तो उसमें एक चीज आप देखिएगा कि हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पे कई जगह पे जो है पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया है। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेते थे और फिर वहां से कंपैरिजन करते थे और रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को रखते थे जीरो। ये काम हमने बार बार किया है और करते रहेंगे, यही कंसेप्ट हमसे कहता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलता है और यदि हम एक पॉइंट को जीरो लेंगे तो उसके कंपैरिजन में जब चेंज करेंगे तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट का जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वहां का पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ जाएगा, ये इसके पीछे पर्पस था। ठीक, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जोड़ लिया, ऊपर गए तो हमारा जो है इनक्रीज हो गया, वो आ गया हमारा यू बराबर एम जी एच। डायरेक्टली हम यही पढ़ते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से 8th क्लास से ये हम पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है, तो उसका रीजन जो है आज आपका जो है क्लियर हुआ, वो हुआ आके जब आप इलेवेंथ में आ गए, जब आप आ गए आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तरह तरह के राज खुलते जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ बच्चे आपसे आप में से सक्सेस होकर के नए नए राज और खोलें, और यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख के काबिल बने, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का जो मेरा वीडियो था, ये वीडियो मेरा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, और अब इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।